हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, यहाँ पर कोची मेट्रो रेल की तरफ से यहाँ पर अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर जो बहुत सारे पोस्टों के लिए वैकेंसी यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, तो आज मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि कौन कौन लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट उसी पेज पर जहाँ पर ये नोटिफिकेशन दिया गया है। दोस्तों, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, आप लोग तो देख सकते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट और अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट। तो यहाँ पर जो जो दिया गया है कि जिन जिन लोग ग्रेजुएट, डिप्लोमा और यहाँ पर इंजीनियरिंग जो लोग किए हुए हैं वो भी 2020, 21 और 22 के अंदर, उन लोग जो है ये इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट दिया गया, जैसे कि यहाँ पर आर्किटेक्चुअल असिस्टेंट, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो इन सभी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है सिर्फ यहाँ पर इसको छोड़ के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट मतलब जो है बीई बीटेक किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी यहाँ पर टेक्निकल लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर जो है जो लोग बीई बीटेक है और टेक्निकल में जो लोग डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस में भी जो लोग यहाँ पर डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के लिए भी जो डिप्लोमा किया है अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर जो एक पोस्ट दिया गया वो है एचआर एडमिन, बीकॉम एंड बीए इंग्लिश। जो लोग किए हैं बीएमए इंग्लिश और बीकॉम, जो लोगों का यहाँ पर ग्रेजुएट किए हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर सिर्फ 5 वैकेंसी वाला पोस्ट दिया गया है। जो लोग यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएट जो लोग अप्लाई मतलब ग्रेजुएट किए हैं वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 35 टोटल वैकेंसी दिया गया है। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में ही बोल दिया गया। जैसे कि मैंने बोला था, फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री आप लोगों का होना होगा, यहाँ पर मिनिमम आप लोग को 60% मार्क्स होना ही होगा। उसके बाद टेक्निकल की बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स होना होगा आप लोगों को, उसके साथ 60% आप लोग को यहाँ पर जो है मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स आप लोग को लाना ही होगा। उसके बाद नॉन टेक्निकल में जो जो है बीकॉम और बीए इंग्लिश में, उन सब के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना होगा, मतलब एटलीस्ट 60% आप लोग को मार्क्स होना ही होगा। तो कैसे आप लोग अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बोल दिया गया है आप लोगों को, यहाँ पर जो ऑफिशियल जो वेबसाइट दिया गया यहाँ पर जाना होगा, mhrdnats.gov.in, यहाँ पर जाके आप लोग को जो है एनरोल करना होगा। उसके बाद आप लोग को पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट स्टेप जो दिया गया है, यहाँ पर आप लोग को आना होगा, फिर से यहाँ पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग को जो है एस्टैब्लिशमेंट रिक्वेस्ट मेनू पे जाना होगा, उसके बाद फाइन एस्टैब्लिशमेंट, उसके बाद आप लोग को अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट को सर्च करके उसको अप्लाई करना होगा। तो उसके बाद ये जो मैंने बोला, ये सभी जो है टेक्निकल कैटेगरी मतलब जो लोग बीए बीटेक और यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते, और जो लोग यहाँ पर बीए और बीकॉम है उन सभी के लिए बोल दिया गया है कि यहाँ पर एक नीचे एक लिंक दिया गया है, इस नीचे लिंक पे आप लोग को एक्सेल फाइल मिल जाएगा, उसको पूरी तरह से आप लोग को फिलअप कर लेना होगा। जो जो डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, नाम से शुरू करके यूनिवर्सिटी नेम, उन सभी को आप लोग को देना होगा। देने के बाद आप लोग को जो बोल दिया गया है इस जो यहाँ पर फॉरवर्ड करना होगा, एक्सेल शीट को यहाँ पर आप लोग को फॉरवर्ड कर देना होगा। तो उसके बाद देखते हैं जो डेटों के बारे में बोल दिया गया कि यहाँ पर आप लोग जो है लास्ट डेट दिया गया 14/10/22 के अंदर आप लोग को जो यहाँ पर इसको अप्लाई कर देना होगा। उसके बाद वेरीफिकेशन आप लोग को सर्टिफिकेट यहाँ पर नवंबर में होगा। दोस्तों, यही एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर दिया गया था जो आप लोगों से शेयर करनी थी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।